भारत और रसिया के बीच एयर बबल समझौतों के तहत फ्लाइट का ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि अभी हाल फिलहाल में भारत और रसिया के बीच में हफ्ते में केवल 2 फ्लाइट ऑपरेट की जा रही थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में फ्लाइट ऑपरेशन की संख्या बढ़ाने पर बात की जा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत और रसिया के बीच जो एयर बबल समझौता है उसको 5 अक्टूबर से और आगे के लिए भी एक्सटेंड किया जा रहा है, और आने वाले समय में भारत और रसिया के बीच में हफ्ते में ऑपरेट की जा रही 2 फ्लाइट को बढ़ाकर 4 कर दिया जाएगा। अमीरात एयरलाइन ने बताया है कि उसने आईटा का ट्रेवल पास अपने लगभग सभी रूट पर शुरू कर दिया है। यदि आप इस समय एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको भी अब आईटा का ट्रेवल पास यूज करना होगा। आपको बता दें कि आईटा का ट्रेवल पास एक मोबाइल ऐप की तरह है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ट्रेवल पास में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है, फिर इसकी मदद से आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, और इस तरह एमिरेट्स एयरलाइन आपकी सभी जानकारी केवल आईटा के ट्रेवल पास से ही वेरीफाई कर पाएगी। वैसे भारत की बात करें तो भारत में आईटा ट्रेवल पास का इस्तेमाल केवल इंडिगो और स्पाइसजेट एयरलाइन ने ट्रायल बेसिस पर शुरू किया है। एयर इंडिया ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि कोची से दोहा के लिए उड़ानों की सुविधा शुरू हो चुकी है और फ्लाइट की टिकट भी बुक की जा रही है। यात्री यात्रा से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो यात्रा के योग्य हैं या नहीं, तभी वो अपनी टिकट बुक कराएं। यात्रा के दौरान नियमों का पालन करना ज़रूरी है। फ्लाइट से संबंधित और डिटेल के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करें।